नमस्कार, culture.com के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेड वेलवेट केक बनाना बताऊंगी और उसके साथ ही हमें इसकी क्रीम चीज की आइसिंग करना बताऊंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट केक होते हैं और बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं रेड वेलवेट केक कैसे बनाते हैं और इसकी आइसिंग कैसे करते हैं। रेड वेलवेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक का बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। तो केक का बैटर के लिए हमें एक कप और दो टेबल स्पून के करीब मैदा चाहिए। तो मैदा ले लेते हैं हम, ये हमारा एक कप है, इसमें मैदा हम डाल लेते हैं। जब भी केक या कुकीज वगैरह जो भी बनाए तो हमेशा सही मेजरिंग कप का यूज करें। तो कप केक या केक जो भी आप बना रहे हैं एकदम परफेक्ट बन के आते हैं। इस तरह से हम मैदे को नाप के ले लेंगे। एकदम एक कप हमारा मैदा हो गया, एक कप डाल देते हैं इसमें। इसके अलावा हमें दो बड़े चम्मच यानी कि दो टेबल स्पून, ये दो टेबल स्पून और एक टेबल स्पून है, एक टेबल स्पून और एक टेबल स्पून और डाल देते हैं। ये एक कप और दो टेबल स्पून मैदा हमने इसमें डाल दिया है। अब दो टेबल स्पून ही हम इसमें कोकोआ पाउडर डालेंगे। इसी चम्मच से नाप के ले लेते हैं, एक चम्मच और ये दो चम्मच हो गया। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं। ये आधा चम्मच बेकिंग सोडा इसमें डाल दिया, इसे हम छान लेते हैं। इससे अच्छे से बेकिंग सोडा और मैदा और कोकोआ पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसकी सारी गुंथियां भी टूट जाएंगी। इसे साइड में रख लेते हैं और बाकी की सामग्री तैयार कर लेते हैं। एक दूसरा बाउल ले लेते हैं, उसमें हमें चाहिए आधा कप बटर मिल्क चाहिए। तो हमने ये आधा कप मिल्क लिया है और इसमें हम एक चम्मच वेनेगर डाल देंगे। तो ये हमारा बटर भी बन के तैयार हो जाएगा। एक चम्मच हम इसमें ये वेनेगर डाल देते हैं, कर देते हैं इसे। ये मिल्क हमारा कर्डल होके और ये बटर मिल्क तैयार हो गया। इसे साइड में रख देते हैं, बाकी की चीजें हम इसमें डाल देते हैं। ये रेड वेलवेट केक हम एगलेस बना रहे हैं तो हम इसमें एग की जगह दही का यूज करेंगे। अगर आप एग खाते हैं तो इसमें एक अंडा डाल सकते हैं। हम इसमें एक चौथाई कप दही डाल रहे हैं, एक छोटा चम्मच हम इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे। वेनिला एसेंस डाल देते हैं, एक चौथाई कप ही हमें इसमें ऑयल डालना है। कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर ऑयल नहीं डालना चाहते तो बटर भी यूज कर सकते हैं। बटर को मेल्ट करके एक चौथाई कप बटर लेके इसमें डाल सकते हैं। हमें इसमें तीन चौथाई कप चीनी चाहिए, तो हम तीन चौथाई कप चीनी ले लेते हैं। ये एक चौथाई कप, ये दो चौथाई कप और ये हमारी हो गई तीन चौथाई कप चीनी इसमें हमने डाल दी है। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसमें 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम नमक डालेंगे। बटर मिल्क जो हमने लिया था उसे इसमें डाल देते हैं। इसे हम अच्छे से एकदम मिक्स करेंगे जब तक ये चीनी अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसमें हम डालेंगे फूड कलर, ये हमने रेड जेल कलर ले लिया है, डाल देते हैं इसमें। एक चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे। इतना अच्छा रेड कलर आ गया है। अब इसमें ये मैदे वाला मिश्रण हम, ये मैदे कोकोआ पाउडर और जो बेकिंग सोडा हमने लिया था इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। मिला देते हैं इसमें। इसके साथ ही हमने ओवन को 170 डिग्री पर प्रीहीट होने के लिए लगा दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे इसकी सारी गुठलियां फूट जाए, कोई गुठली नहीं रहे इसमें। इसमें हम दो छोटे चम्मच वेनेगर डालेंगे, एक चम्मच और ये दो चम्मच। इसे इसे हम मिक्स कर देते हैं। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसे अब हम ट्रे में डाल देते हैं, ट्रे में हम इसे डाल देते हैं। हमने ट्रे में लाइन लगा के तैयार कर लिया है, तो हम इसमें बैटर डाल के भर देते हैं। आधा आधा खाली रखेंगे। इतने बैटर से हमारे करीब 1500 कपकेक बन के तैयार हो जाएंगे। ये हो गया है, इसे एक बार हल्के से टैप कर देते हैं जिससे कि अगर एयर बबल्स हो तो निकल जाए। ओवन में डाल के 18 मिनट के लिए बेक करेंगे। बीच में हम इसे 15 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेंगे, अगर हो गए होंगे तो हम इसे निकाल लेंगे, नहीं तो हमें इसे 18 से 20 मिनट के लिए बेक करना है। इसे हम ओवन में डाल देते हैं। ये हमारे कपकेक बेक होके तैयार हो गए हैं। एकदम अच्छे
के तैयार हुए हैं, ये बहुत ही फ्लफी बने हैं। इसे हम ठंडा होने के लिए वायर के ऊपर रख देते हैं। जब तक ये ठंडे होंगे हम इसके लिए आइसिंग तैयार कर लेंगे। कि कप केक को हम पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं, तब तक हम आइसिंग तैयार कर लेते हैं। ये रेड वेलवेट केक की आइसिंग बनाने के लिए हम क्रीम चीज की आइसिंग करेंगे, क्योंकि रेड वेलवेट केक के ऊपर क्रीम चीज की आइसिंग बहुत अच्छी लगती है। तो हम उसके लिए 100 ग्राम ये क्रीम चीज लेंगे। इस तरह की ब्रिटानिया की क्रीम चीज आती है, प्लेन चीज होती है, उसमें कुछ भी सॉल्ट या कोई फ्लेवर नहीं होता है। इस तरह की क्रीम चीज बाजार में भी बहुत आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा हम 100 ग्राम ये बटर यूज करेंगे, अनसाल्टेड बटर हम यूज करेंगे। 100 ग्राम हम ये बटर लेंगे और 100 ग्राम हम ये क्रीम चीज लेंगे। इसके अलावा हम इसमें 2 कप आइसिंग शुगर डालेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 180 ग्राम का पैकेट आता है, तो इसमें आधे से थोड़ी ज्यादा क्रीम चीज ले लेते हैं, क्योंकि हमें 100 ग्राम के करीब चाहिए। ये हमारा 200 ग्राम का बटर का पैक है, तो हम इसमें से आधा बटर ले लेते हैं, क्योंकि हमें 100 ग्राम बटर चाहिए। बटर को हमने 1 घंटे पहले ही बाहर निकाल के रख दिया, तो एकदम सॉफ्ट हो गया है। आधा बटर हमने बचा दिया है, पहले से ऐसे हाथ से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसे बीट कर लेंगे। इसे हम एकदम अच्छा सा फ्लफी और लाइट हो जाने तक बीट कर लेते हैं। पहले हम करीब 5 से 7 मिनट तक बीट करेंगे, जब तक ये एकदम हल्का और फ्लफी सा नहीं हो जाता है। तो 5 मिनट हम इसे बीट कर लेते हैं। क्रीम चीज और बटर हमने एकदम अच्छे से बीट लिया है, एकदम फ्लफी सा हो गया है, इसका कलर भी व्हाइट हो गया है। अब इसमें हम आइसिंग शुगर मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके शुगर मिलाएंगे हम इसमें। हमें इसमें करीब 2 कप के करीब शुगर मिला देनी है। थोड़ी मिलाते हैं पहले हम 1 कप के करीब, पहले से ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं जिसमें ये घुले ना, फिर से हम इसे बीट कर लेते हैं और इसमें शुगर मिला देते हैं। हमने इसमें 2 कप के करीब आइसिंग शुगर मिला दी है। अब इसे हम अच्छे से फेटेंगे 1-2 मिनट के लिए, और पहले मिक्स कर लेते हैं जिससे कि ये उड़े ना शीघ्र। ये हमारी क्रीम चीज की आइसिंग तैयार हो गई है, एकदम सॉफ्ट आइसिंग हमारी बनके तैयार हुई है, ऐसी ही हमें चाहिए। अगर आप थोड़ी स्टिफ सी आइसिंग चाहते हैं, तो आइसिंग शुगर जो है 3 कप के करीब मिला सकते हैं। हमने इसमें 2 कप मिलाया है, तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट सी हमारी आइसिंग बनके तैयार हुई है। ये आइसिंग को हम एक पाइपिंग बैग में भर लेते हैं, जिससे कि हमें आइसिंग करने में आसानी होगी। हम किसी भी प्लास्टिक बैग में भर सकते हैं, इसे कवर कर देते हैं जिससे कि आइसिंग करते समय बाहर ना निकले। इस बैग को हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, थोड़ी सी सेट हो जाएगी, फिर हम इससे आइसिंग करेंगे। ये हमारे रेड वेलवेट कपकेक एकदम ठंडे हो गए हैं, अब हम इसकी आइसिंग कर लेते हैं। हमारी आइसिंग भी सेट हो गई है। हमने एक पाइपिंग बैग में ये नोजल लगा के ले लिया है, और ये हम आइसिंग वाला बैग इसके अंदर डाल के हम आइसिंग कर देते हैं। इसमें हम रोज वाली आइसिंग कर रहे हैं। आप अपने पसंद की जो भी आपको पसंद हो उस तरह का नोजल डाल के और वैसे ही डिजाइन इसमें बना सकते हैं। रेड वेलवेट केक के ऊपर ये क्रीम चीज बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, तो इसके ऊपर क्रीम चीज की भी आइसिंग करें। ये हमारे रेड वेलवेट केक क्रीम चीज की आइसिंग के साथ बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं और देखने में भी बहुत सुंदर है। आप इसे घर में बनाइए, बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई गेट टुगेदर हो या फिर किटी पार्टी हो, उसके लिए आप इसे बना सकते हैं। आपने देखा इसे कितना आसानी से बनाया जा सकता है, और इसे आप बना के 1 दिन पहले भी रख सकते हैं, और फिर जब पार्टी हो तो सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी केक बन के तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।